Hey guys, this is Sarfe and welcome to my YouTube channel. तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर का आज का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था स्नेल्स लॉ में, जिसका सेकेंड लॉ बहुत ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ जो स्नेल्स लॉ था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें आपने कभी एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने कहा था उसमें क्या कि ये मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, इसमें लाइट ऐसे इंटर करती है और ये नॉर्मल है तो क्या होता है इस तरीके से बेंड करता है टुवार्ड्स द नॉर्मल। कब? जब रेयर टू डेंसर जब जाती है लाइट तो वहां पे बेंड जो करता है टुवार्ड्स द नॉर्मल। फिर देखना, फिर उसके बाद हम यहां से लाइट कुछ थोड़ा सा एंगल बढ़ा देते हैं, मतलब ये एंगल आई है ना, फिर आप एंगल बढ़ा देंगे, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है तो थोड़ा सा यहां पे चेंज करेगा। मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। आप देख पा रहे हो यहां पे रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, दोनों का चेंज कर रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चेंज कर रहा है। इस तरीके से मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जब प्रोपेगेट करोगे, इंसिडेंट करोगे और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी डिफरेंट होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट होगा। लेकिन मैंने भी ख्याल हुआ कि सर इसमें तक क्या सेम रहेगा, तो सेम आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ उसका रेशियो। मतलब क्या है, ये आई वन मान लो, ये आर वन मान लो, ये आई टू मान लो, ये आर टू मान लो, तो इसमें साइन आई वन बाई साइन आर वन, फिर इसका क्या होगा साइन आई टू बाई साइन आर टू, फिर आगे जब आप एंगल चेंज करोगे तो क्या होगा साइन आई थ्री बाई साइन आर थ्री, डैट इक्वल क्या होगा कॉन्स्टेंट। मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही मीडियम आप चेंज करोगे और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा कि दोनों का रेशियो हमेशा एक चीज जो वैल्यू हमारा कॉन्स्टेंट जो आएगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, सेम होगा। एंगल चेंज होगा, रिफ्लेक्शन चेंज होगा, सब चीज चेंज होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका चेंज क्या होगा तो आपका यहां पर कॉन्स्टेंट चेंज होगा, मतलब सॉरी सेम क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब इसका रेशियो जो वैल्यू आएगा ना, इसमें जो रेशियो आएगा वो वैल्यू, इसमें जो रेशियो आएगा वो वैल्यू और इसमें जो रेशियो आएगा वो वैल्यू, दोनों सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, बस फर्क क्या है एंगल और रिफ्लेक्शन चेंज होगा। बाकी समझ में आ गया, ये आपका सेकेंड लॉ था रिफ्लेक्शन का जिसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर अभी हम आगे मूव करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है दरअसल रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी लाइट रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन पूछता है, और डेंसर से रेडर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है कि ड्रॉ द रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जो हमने ड्रॉ किया था उसी में मैंने बताया था लेटरल शिफ्ट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बताया था, ये सारी बातें जो है एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन आप देखिएगा, सारे सैंपल्स में आपको देखने को मिलेगा कि म्यू वन और दो मीडियम है मान लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा उसका डिफरेंट होगा, तो एक म्यू वन है एक म्यू टू है मान लो, म्यू वन म्यू टू से ग्रेटर है तो उसका डायग्राम बनाओ, रिफ्रैक्शन ड्रॉ करो, अगर म्यू टू म्यू वन से ग्रेटर है तो उसका रिफ्रैक्शन ड्रॉ करो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। और उसको अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा पीछे वीडियो रेफर करिएगा, सिर्फ इतना लिखिएगा लाइट सरफेस अपने, मेरा वीडियो आ जाएगा, आप वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के अबाउट। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा दूं, फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब रिवर्स लाइट का रिवर्स, मतलब यार कि जब लाइट रेयरर टू डेंसर, मतलब एक मीडियम में दूसरी मीडियम में लाइट जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरे मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा वन होता है। मतलब यह कि इसको हम दूसरे वर्ड में यू कह सकते हैं कि पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में
और फिर दूसरे मीडियम का रिफ्रेक्ट इंडेक्स होगा पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, वो दोनों का रिफ्रेक्ट इंडेक्स होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे के रिवर्स में होता है। तो सोच सकते हो कि जब रिवर्स होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, वन होगा। समझ लो ना, एक चार है उसका उल्टा क्या, वन बाय फोर, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, फोर इंटू वन बाय फोर कैंसिल हो गया, क्या है वन। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यही कहता है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में और दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में, दोनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा वन होता है, मतलब कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। आइए इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। मान लो आप देख सकते हो ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, ठीक है। आप इतना गॉट मार सकते हो, लाइट मान लो यहां से ट्रेवल किया, ओके, ठीक है, नॉर्मल है। तो जानते हो अगर इसको हम रेयर मानते हैं, इसको रेयर मानते हैं और इसको डेंसर मानते हैं, तो आप समझते हो कि रेयर टू डेंसर जब लाइट आती है तो क्या होती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल वो बेंड करती है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल पढ़ते आ रहे हो। चलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि हम अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं फर्स्ट मीडियम का सेकेंड के रेस्पेक्ट में, गॉट वाला मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट मीडियम का सेकेंड के मीडियम के रेस्पेक्ट में हम अगर निकालते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, गॉड फरमाना म्यू। अगर फर्स्ट का निकालते हैं तो यहां वन यहां टू, समझ लो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू टू। लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू क्या, सेकेंड मीडियम। बात समझ आ रही है, चलिए और आप बताओगे एक बात और देख लो। अगर मैं इसको लिखता हूं सेकेंड का निकालते हैं अगर फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, गॉट माओ यहां लिखेंगे सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर हमें सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, देन हम क्या लिखेंगे, वन म्यू टू। तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, फर्स्ट मीडियम। समय बात आ रही है ना, मैं क्या कर रहा हूं। तो अब जरा गॉड फॉर्माओगे, अगर मैं टू म्यू वन फाइंड करता हूं तो गॉड फॉर्माओ टू म्यू वन मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। तो फर्स्ट मीडियम में आप बचपन से जानते आ रहे हो कि रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, हम लोग मानते हैं ना सी, इसमें लाइट का स्पीड सी मानते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि रेयरर मीडियम में यानी वैक्यूम में लाइट का स्पीड जो होता है 3×10⁸ m/s होता है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज द सिंबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। तो यहां सी है और ये सेकेंड मीडियम है, डेंसर है, तो इसमें मान लो भी है, ओके। मैं यहां पे क्या फाइंड कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी बाय भी। तो फर्स्ट मीडियम स्पीड क्या हुआ, सी, और सेकेंड मीडियम में क्या होगा, भी। इक्वेशन वन, नहीं बात समझ में, याद करिए ना, सेकेंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा था म्यू इक्वल सी बाय भी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, और यही ना डेट इक्वल होता था साइन आई बाय साइन आर, होता था कि नहीं। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा है सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, टू म्यू वन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद टू सेकेंड मीडियम, तो इसमें सी इसमें भी, ठीक है। फिर आप देख सकते हो अगर हम निकालते हैं क्या, वन म्यू टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब नहीं समझे, मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट मीडियम से लाइट को सेकेंड मीडियम डालना है और सेकेंड से फिर फर्स्ट में डालना है। आप कहोगे सर कैसे, तो आप देख सकते हो, मान लो ये बुक है, ये ग्लास है, कांच है, तो कांच क्या, ये रेयर मीडियम है, और हम इस रेयर मीडियम में इसको रख देंगे तो यहां पे दो मीडियम हो गया कि नहीं, एक फर्स्ट मीडियम और इस कांच के अंदर सेकेंड मीडियम, और फिर ये आपका कौन सा मीडियम होगा, सेकेंड फर्स्ट मीडियम होगा ना, ये भी फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम। मैंने क्या कहा है कि लाइट रेयर से डेंसर में गया और डेंसर से फिर कहां जाएगा, आप सोचो कहां जाएगा, रेयर में जाएगा ना, फर्स्ट मीडियम जाएगा, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में गया, कांच के अंदर ट्रेवल किया,
फिर उसके बाद कांच के बाद कहां गया, अरे मैं गया। तो वही बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि यहां पे मैं फिर क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्ट। तो इसका स्पीड 2 μ का मतलब क्या हुआ, भी इस मीडियम में स्पीड क्या हुआ भी, और उसके बाद फर्स्ट मीडियम में स्पीड क्या हुआ सी। इक्वेशन 2 क्लियर है। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू, यहां पे इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो 2μ1 × 1μ2 इक्वल सी बाय भी इंटू भी बाय सी। सी सी कैंसल आउट, भी से भी कैंसल आउट, क्या आया 2μ1 × 1μ2 इक्वल 1। और यही हमें प्रूव करना था। क्या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में तो ये भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्या 2μ1 = 1/1μ2 होगा कि नहीं होगा, देखिए। तो यानी कहने का हमारा सेंस क्या है कि किसी एक मीडियम में रिफ्रैक्ट इंडेक्स किसी दूसरे का रिस्पेक्ट में और किसी दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट इंडेक्स किसी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। बात क्लियर है ना। चलिए अगर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वर्तमाना द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू वन। बात है क्लियर है। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू वन। दिस इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। एंड मैंने ये जो डिराइव किया है आपके सामने है, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए बातें को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर होते जाओ। अगर बातें समझ रही है तो अपने सबसे पहले वीडियो को तो लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो ये आपके सामने रहा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जिसे मैंने प्रूफ किया। अब मूव करते हैं मिरर की तरफ। यहां से आपका टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता जा रहा है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ। हाँ, अब इसमें जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आपने जो पढ़ा इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनता है, तो ये न्यूमेरिकल्स मैं कोशिश क्या करूंगा कि इसके लिए अलग ही एक वीडियो बना दूंगा सारे टॉपिक वाइज। ओके, प्लेन मिरर पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये तो सब पे हम अलग अलग टॉपिक पे आपका न्यूमेरिकल सुना देंगे, जाकर के ज्यादा बेहतर होगा, इससे करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग मिरर की तरफ। तो फाइनली हम लोगों ने रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे क्या मिरर, स्फेरिकल मिरर। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर, और इस स्फेरिकल मिरर में दरअसल हम लोग रिफ्रैक्शन का केस नहीं पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का केस पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर। ओके, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है दो मीडियम की बात होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन की जब बात होती है तो वहां पर सिंगल मीडियम की बात होती है। तो यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर में, दरअसल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, इस केस में क्या पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो, ये मान लो स्फेरिकल मिरर है, और ये बाहर से इसको कहते हैं सिल्वर्ड करना, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि इसको क्या कहते हैं सिल्वर्ड करना, सिल्वर्ड हिंदी में कहते हैं रजदीप्त, ये बिहार बोर्ड सीबीएसई सबके लिए है। अब बढ़वा इसको अगर हम मेड से कट कर देते हैं तो कट करने के बाद मेरे को कुछ दो पार्ट आता है, जब आप गॉट माइंड एक पार्ट तो आपका कुछ
इस तरीके से आएगा, और जो कि अंदर से सिल्वर्ड होगा, एक पार्ट कुछ आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है, एक पार्ट क्या होगा इस तरीके से आएगा जो बाहर से सिल्वर्ड होगा, ठीक है। अब हमें जानना है, ये तो आपका स्फेरिकल मिरर है और इसको हम क्या कहेंगे, इसी टर्म को हमको समझना है। देखिए, और अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो सुन लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुन लो। ये जरा देखिए, तो ये जो आपको दिख रहा है एक गुफा की तरह दिख रहा है, केव की तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, केव की तरह ऐसे जा रहा है, ये केव की तरह, गुफा की तरह लग रहा था। तो जो गुफा की तरह लगता है, जो केव की तरह लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। बातें समझ में आई, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। और जो अंदर से सिल्वर्ड हो, जो बल्ज हो, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। सिंपल सी बात, अगर एक समझ लोगे कॉनकेव तो दूसरा तो ऑटोमेटिक समझ ही लोगे। केव है तो कॉनकेव हुआ, कॉनकेव में बाहर सिल्वर्ड होता है, कॉन्वेक्स में इनर पार्ट सिल्वर्ड होता है, इनर सरफेस सिल्वर्ड होता है। बात क्लियर है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मतलब केव की तरह, और कॉन्वेक्स मतलब बल्ज किया हुआ है, ठीक है। इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग उत्तल दर्पण भी कहते हैं, याद रखिएगा हिंदी में उत्तल दर्पण, और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। हिंदी मीडियम वाले भी सीखते जाएंगे, ठीक है, इसको अवतल दर्पण, इसको उत्तल दर्पण। अब हमें समझना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या टर्म्स और उसका डेफिनेशन आता है, क्या क्या टर्म्स आता है, जो गौर फरमाइएगा। यहां से आपका टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसलिए वीडियो को आराम से देखिएगा, समझते भी जाइएगा और नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा। चलिए गौर फरमाइए, अभी ये कौन सा मिरर है, अभी ये कोई मिरर नहीं है, जब तक सिल्वर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई मिरर हो सकता है हम इधर सिल्वर्ट कर दे, तो फिर ये हो जाएगा कौन, कॉन्वेक्स हो जाएगा, मैं बाहर से सिल्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, बाहर से सिल्वर्ट कर रहा हूं, ये आपका कॉनकेव मिरर है, बाहर से सिल्वर्ट होता है तो समझ लो आपको कॉनकेव मिरर है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये आपको क्या लग रहा है, ये लग रहा है ना कि स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल जो है उसी का पार्ट है, देखिए तो पार्ट। जब ये हॉलो स्फेरिकल पार्ट है तो आप समझ सकते हो कि इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया। इस सेंटर को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और ये मिरर है, तो ये मिरर जो है आपका बता दूं, ये मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पोल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई पी, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, और स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये सब लिख देंगे, टेंशन है, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी को पोल, और पी और सी से मिलाने वाली लाइन जो होती है दरअसल, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कहोगे सर प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कह रहे हो, थोड़ा सा इसको समझा दो, बेसिक मैं समझाना चाहूंगा। आप जरा गौर फरमाओ, पी और सी के बीच का दूरी तो आपका एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल है तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से क्या है, रेडियस ही है ना, ये रेडियस है, तो रेडियस है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन आपने कहा, आपके मन में ख्याल, सर अभी आपने एक और टर्म यूज किया है, प्रिंसिपल एक्सिस, बेशक। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसको अगर 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 हम और ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं और आगे ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये आपका यहां से यहां तक लाइन जो देख पा रहे हो, दरअसल इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। हाँ, पीसी को प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, लेकिन जब पीसी जब बात होगी तो आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बात हो जाएगी। तो क्या मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हो, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कह सकते। देख लो, इतना भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस भी है पीसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, अब हटा दिया है, बताओ यहां से लेकर यहां तक आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लेकिन यहां से यहां तक हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं कहेंगे। कब कहां तक कहेंगे, पी और सी तक। तो इसको हम पी और सी तक हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बातें क्लियर है। उसके बाद पी और सी पर एक पॉइंट होता है मिड में, जिसको हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है, फोकस के नाम से जानते हैं। पी और सी के पर एक पॉइंट होता है जिसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं। फोकस कैसे, तो डेफिनेशन अलग है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन फिलहाल अब इस टर्म समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि पी और सी के बीच में जो लाइन होता है
मिड पॉइंट एक तरह से, उसको हम फोकस कहते हैं। बातें समझ में आ रही? तो जरा सोचिए एक बात, आप क्या सोच सकते हो कि जब मैं कहूंगा कि एफ जो है पी और सी का मिड पॉइंट है, तो ओवरऑल आप समझ सकते हो ना कि ये पूरा आर जो होगा यानी पीसी जो होगा, पीसी आपका क्या होगा, वो पीएफ का हाफ होगा कि नहीं होगा, सॉरी पीएफ का क्या होगा, डबल होगा कि नहीं होगा, पीसी जो होगा पीएफ का डबल होगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं ना पीएफ इक्वल क्या लिखेंगे, हाफ इंटू पीसी। अरे देखो मैंने क्या कहा कि ये मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट का मतलब है कि ये और लाइन और ये लाइन बराबर होगा, इक्वल होगा, और यहां से लेकर यहां तक आर है, तो जाहिर सी बात है कि ये आर जो होगा इस पीएफ का क्या होगा, डबल होगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब इसी में हम कुछ आपको समझाना यह चाह रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। ये तो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर जो है दरअसल इसको हम डिफाइन क्या कहेंगे, ये कॉनकेव मिरर क्यों है, मतलब इसे कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या होगा, सुन लो। तो कॉनकेव मिरर क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ, जरा देखिए ना ये कॉनकेव मिरर किसका पार्ट है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। यहां से हम हटा देते हैं, कट कर दिया, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो गया। तो इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर विच इज सिल्वर्ड आउटर द सर्फेस, विच इज सिल्वर्ड आउटसाइड द सर्फेस। देखिए ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है जिस पर बाहर से क्या होता है, आउटर साइड से क्या होता है, सिल्वर्ड होता है, जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए एक और बात, इसी में हम लोग टर्म सीखते जाएंगे, ठीक है ना, और डेफिनेशन वगैरह भी देखेंगे। टेंशन ना लो, बस आराम से मेरे साथ बने रहिए, हर बातें मैं समझाऊंगा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, अभी कॉनकेव मिरर की ही बात मैं कर रहा हूं। ये आपका तो पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका क्या हुआ रेडिएशन कर्वेचर, और ये आपका क्या हुआ फोकल पॉइंट, ठीक है। और मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, तो इस ए बी को हम अपर्चर कहेंगे, ए पी ई आर टी यू आर ई, अपर्चर। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे अगर मैं पोल की पोल का डिफाइन करूं क्या, तो पोल को क्या डिफाइन करेंगे, यहां पर डिफाइन कर ही देता हूं, पोल, पोल क्या है, गौर फरमाइएगा, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। क्या है ये मिरर का एक क्या है, मिड पॉइंट होता है, मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ओके। चलिए जिसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप बातें समझ में आ रही है। चलिए सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गॉड फ्रॉम गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी किसका सेंटर है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। तो इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर विच इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। नहीं बात समझे, ये सी किसका मिरर है, ये सी सॉरी ये सी किसका सेंटर है, पूरे स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। तो स्फेरिकल मिरर के सेंटर को मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, गॉड फ्रॉमिएगा, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आइदर वो सेंटर, वो सी जो होगा आपका कॉनकेव का भी हो सकता है, कॉन्वेक्स का भी हो सकता है, अभी हम लोग कॉन्वेक्स का भी देखेंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलिए पोल हो गया, अब मैं फोकस की बात कर दूं, पोल हो गया फोकल पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल पॉइंट की बात करूंगा, गौर फरमाइएगा, ये समझने वाली बात है। क्या होता है कि मिरर है, मिरर के आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, व्हाट मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप जितना भी रे ऑफ लाइट फॉल कराओगे, फॉल कराए तो वो रिफ्लेक्ट, इस पर मिरर है, जाहिर सी बात है मिरर पर रिफ्लेक्ट सेम मीडियम में होता है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो कुछ
एक पॉइंट से क्रॉस करेगा। इस पर जितना भी पैनल आप फॉल करा, पैनल पैनल होना चाहिए, पैनल फॉल कराओगे वो रिफ्लेक्ट एक पार्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करेगा। इस पर जितना भी रे ऑफ लाइट फॉल करा, जितना भी आप रे ऑफ लाइट फॉल कराओ, तो अब मैं बताना ये चाहूंगा कि इस पर जितना भी रे ऑफ लाइट फॉल कराओगे सब का सब क्या है, एक पार्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करेगा, और उसी पार्टिकुलर पॉइंट का एक स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं फोकल पॉइंट या फोकस। नहीं बात समझ में आई? फोकस का क्या डेफिनेशन होगा? इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट। बातें समझ में आ रही है? नहीं समझ आ रही है? फोकस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहां पर सारा रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो क्या बोलेगा डेफिनेशन? इट इज द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेस मीट। जहां पे सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, मीट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बताओ, उसको हम कहते हैं फोकस। और पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ भी कहते हैं। इसको तो हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी एफ जो हमारा हो गया यहां पे क्या हो गया, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा क्या, फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या होता है, द लेंथ फ्रॉम पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बात समझ आ रही है? पोल और फोकस के बीच के लेंथ को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। एक बात आपने जरूर नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया तो आप जानो क्या मैं बताना चाह रहा हूं। आपने देखा ना कि इस पर जितना भी रे ऑफ लाइट आपने प्रिंसिपल एक्सिस से मिरर पे फॉल किया, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे फॉल गया, और करने के बाद क्या हुआ, सारा का सारा रिफ्लेक्ट होकर इस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक पॉइंट पे सारा का सारा क्या हो रहा है, मिल रहा है, संयोजित हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्टिव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है क्या कि व्हाई कॉनकेव मिरर इज कंसिडर्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज ऑल द रेज पासिस थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, they need to reflect and meet at a particular point on a principal axis, that's why that is considered as या that is known as converging mirror। बातें समझ में? नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर यह कहा कि जितना भी रे ऑफ लाइट आप इसके पैनल फॉल कराओगे सारा का सारा मिरर पे टक्कर आने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पे जाके मीट करता है सारा का सारा, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग होना कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं क्या, कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है? चित्र एक बात याद रखिएगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। समझ में बात आ रही है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, और ये रे जो हम फॉल कर रहे हैं ये तो दरअसल आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। अब मन में ख्याल होगा, सर अच्छा बताओ कॉनकेव मिरर आपने कहा था बचपन में कभी कि मिरर पे आप इंसिडेंट रे फॉल कराओगे तो वहां पर नॉर्मल भी होता है, बेसिक नॉर्मल भी होता है। तो सर आप बताओ कॉनकेव मिरर है यहां पे, तो इस कॉनकेव मिरर में इसका नॉर्मल कहां पे कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देख लो, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, यहां पे छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा मैं बना रहा हूं, देख लेना। कॉनकेव मिरर पोल सेंटर कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, यहां पर हमने पैनल फॉल किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, फोकस जाएगा, और यहां पर सी से जो मिलाओगे ना यही आपका नॉर्मल हो जाएगा। याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिला दोगे वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और ये डॉटेड जो देख पा रहे हो दरअसल ये नॉर्मल हुआ। तो मैंने ये सारा केसेस जो अभी समझाया आपको वो किसका था, कॉनकेव मिरर का था। अब हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी, ठीक है?
कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। उससे पहले एक बात जरा ध्यान देना, यहां पर दिख रहा है, चलिए ठीक है इसको इरेज ही कर देते हैं। वैसे एक बार देख लो, एक मिनट देख लेना, आपको मैंने ये बोला है कि पीसी आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो आप जब देखो आर है और इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा मेरा फोकल लेंथ का क्या होगा, डबल होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं क्या, आर होगा टू एफ, या हम एफ क्या कह सकते हैं, आर बाई टू कह सकते हैं। मतलब यह कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सपोज थोड़ा सा आप ध्यान दे लो, मान लो किसी कोई आपका कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ मान लो कोई मिरर है, मिरर ही मान लो ना यार, क्या जरूरी है कॉनकेव कॉन्वेक्स, मिरर तो दो हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो मान लो कोई मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका फोकल लेंथ क्या होगा। सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, हाफ होता है। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने 40 बोला, फोकल लेंथ फाइंड करना है, फोकल लेंथ क्या होता है, f इक्वल r बाई टू, तो r 40 बाई टू यानी 20 सेंटीमीटर। बातें क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज रिलेशन डिराइव करने वाले हैं। आइए मिलते हैं नाउ। अब हम मूव करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अबाउट। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ वही टर्म हमें समझना है, डेफिनेशन समझना है कि क्या पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, उसको रे कैसे फॉल करते हैं, ये सारा का सारा टर्म भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। यू नो व्हाट माइंड, मैं बात करने वाला हूं कॉन्वेक्स मिरर के अबाउट, कॉन्वेक्स मिरर। और ये कॉन्वेक्स मिरर में बता दू आपको, क्लियर दिख रहा है, चलिए ठीक। कॉन्वेक्स मिरर आप कुछ ना गॉड मान सकते हो, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब जरा देखिए, मैंने कहा ना कॉन्केव और कॉन्वेक्स कैसे पहचानते हैं, कॉन्वेक्स अंदर सिल्वर होता है, और आप तो जरा गॉड मान सकते हो, देख सकते हो ये एक स्फेरिकल सरफेस है ना, तो आप जाहिर सी बात समझ सकते हो कि सेंटर इसका इधर नहीं बल्कि इधर होगा, सेंटर आपका यहां पर होगा, क्लियर है, जिसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस तरीके से मिरर बना। और याद करिए कॉनकेव मिरर में मैंने देखा था लेफ्ट साइड बना था राइट ना, लेकिन इधर सेंटर इधर बन रहा है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी और सी को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जैसे इसको आप एक्सटेंड करोगे वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। और मैंने कहा है जस्ट कि प्रिंसिपल एक्सिस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हो, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कह सकते, बात क्लियर है, चलिए। और मैंने भी कुछ देर पहले कहा है कि इस पे एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, और वो फोकल पॉइंट पी और सी का मिड पॉइंट होता है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल यही बात है कि इट इज द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेरिकल मिरर विच इज सिल्वर्ड इन साइड द सरफेस, अंदर सिल्वर्ड है। तो आपने एक बात तो नोटिस नहीं किया कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में आपने देखा होगा क्या, जिधर से सिल्वर्ड होगा उधर से हम रे फॉल नहीं कराते हैं। मैं रे की ऐसी बात है कि अगर मान लो इधर सिल्वर्ड होगा तो इधर से रे थोड़े फॉल कराएंगे, जिधर सिल्वर्ड होता है उधर से रे फॉल नहीं कराते हैं। तो आप देख सकते हो सिल्वर्ड हमारा इस प्रकार इधर है, तो यहां पे हम रे जो फॉल कराएंगे कुछ इस तरीके से, आप गॉड माना इधर से फॉल कराएंगे, और इधर वाला पार्ट जो आपका कहलाएगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगा, यहां पर इस पार्ट को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। तो आप जरा गौर फरमा सकते हो कि जब मैंने इंसिडेंट रे यहां पे फॉल किया तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बेशक करेगा। और ये रिफ्लेक्ट जो करता है दरअसल इस तरह से, इसको कहते हैं डाइवर्ज होना, क्या कहते हैं डाइवर्ज होना। लेकिन क्या होता है कि मेरे को लगता क्या है, ये फोकस पे आगे मीट करता है, बातें समझ आ रही है। चलिए फिर हमने ये रे फॉल किया, ये भी कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो क्या लग रहा है, फोकस से लग रहा है। इस पर जितना भी रे ऑफ लाइट पैरेलल फॉल कराओगे वो रिफ्लेक्ट तो करेगा ही, आप देख सकते हो, उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस पर इस सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आपने एक चीज तो इसमें नोटिस किया,
कि यहां पर जितना भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे फॉल करा रहे हो सारा का सारा क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। और जो डाइवर्ज होता है ना, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं इसको। अगर सिंबॉलिकली आप बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ये हुआ इट्स पोल, सेंटर का वेचर फोकस, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और आपको मैंने बताया ना कि P और C के बीच की दूरी को R कहते हैं, और P और F के दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडिएशन के बच्चे R से रिप्रेजेंट करते हैं, और R और F में रिलेशन होता है, सो आप जानते ही हो। मैंने यहां पे बोला क्या, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, बातें क्लियर है ना। चलिए अब जरा एक बात तो आप समझ सकते हो कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपने एक बात नोटिस किया क्या कि कॉनकेव मिरर जितना भी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्चुअल मीट करता है, कॉनकेव मिरर एक्चुअल मीट कर रहा था, लेकिन आप देखो कॉन्वेक्स मिरर में ये दैट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट फोकस, फोकस में वो लगता है कि वो मीट कर रहा है। तो फोकस का एक्चुअल जो डेफिनेशन हो जाएगा हम क्या कहेंगे सुन लो, इसको ये बोलेंगे फोकस is a point on a principal axis where all the reflected ray meet actual meet or appears to be meet, नहीं बात समझे, actual meet or appears to be meet। तो appears की बात हो जाएगी convex में क्योंकि लग रहा है कि appear यहां हो रहा है, लेकिन reflect तो ऐसे क्या आएगा, लेकिन लग रहा है क्या focus से जा रहा है, अब concave में तो actual meet कर रहा था focus पे, तो उसमें आपको कहेंगे actual meet, इसमें कहेंगे क्या appears to be meet at focus। तो जहां पे याद करिए हमने कभी बोला भी था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक किसी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा। तो आप नोटिस ये जरूर किया होगा आपने कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक्चुअल मीट करता है। और याद रखिएगा जहां भी एक्चुअल मीट करता है, एक्चुअल मीट करता है, एक्चुअल मीट करता है, वहां पर रियल इमेज बनता है, हमेशा आएगी कौन सा इमेज, रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जहां पे अपीयर्स होता है कि वो फोकस पे मीट कर रहा है, जहां पे रिफ्लेक्टेड लगता है कि यहां पे मीट कर रहा है, तो वहां पे आपका रियल इमेज नहीं वर्चुअल इमेज बनता है, क्या बनता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कहां बनता है, जहां पे रिफ्लेक्टेड लग रहा है कि मीट कर रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपने नोटिस किया कि इसमें जो भी इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, लेकिन कॉनकेव मिरर में जो भी इमेज बनेगा क्या बनेगा बताओ, कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। क्लियर है बातें। अब मन में ये भी ख्याल होगा सर अच्छा बताओ आपने इसका मतलब इसका इस पर अगर मान लो आप ऐसे ड्रॉ किए इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट किया, तो बताओ सर इसका नॉर्मल कहां होगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, तो आपका ये नॉर्मल हुआ और नॉर्मल लग क्या रहा है कि वह सेंटर ऑफ गैरेज। क्लियर है बातें ना। लेकिन लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब भी आप अगर यहां से अगर फॉल कराओगे तो इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और यहां पे नॉर्मल काम ये करेगा, यहां पे जो आप लिख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका नॉर्मल का यहां पे काम करेगा, कॉनकेव में सेम बात हुआ। तो इतना ही था रिफ्लेक्ट कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अबाउट। अब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन है उस रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है, डिराइव करना है। ओके चलिए बोर्ड को इरेज करते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। चलिए आप धन्यवाद दीजिएगा, मैं सिर्फ बोर्ड को इरेज कर लेता हूं। अब हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, आपको देखना है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कॉनकेव मिरर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कॉन्वेक्स मिरर में। ओके चलिए टॉपिक आपका होगा रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इन कॉनकेव मिरर, मतलब नहीं समझ पाता। मैंने ये बताया कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन डिराइव करना है किसमें, कॉनकेव मिरर में। चलिए आइए देखते हैं कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूं, गॉट माय, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस अपने कंडीशन है कि आप समझते रहिएगा, कोशिश करिएगा समझने का कि सर आखिर क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है।
और ये जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूं, ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों के लिए। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। कौन सा मिरर है? फिलहाल अभी कोई मिरर नहीं है। जैसे ही हम सिल्वर्ड कर देंगे तो आप कहोगे ये कौन के मिरर है, बाहर से सिल्वर्ड के केव की तरह लग रहा है, किसकी तरह? केव की तरह लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग पोल कहते हैं, आप बचपन से सुनते आ रहे हो मिरर की मिड पॉइंट को। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपका फोकस हुआ, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, मान लो कि एमएन हमारा यहां पे कॉनकेव मिरर है। एमएन क्या है? कॉनकेव मिरर है। और हमारा पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पीएफ क्या है? फोकल लेंथ है। अब इसमें क्या करना है कि मान लो कि एबी एक इंसिडेंट रे फॉल करा रहा है, एबी इंसिडेंट रे हम यहां पे फॉल करा रहे हैं, कहां पे? मिरर पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे ही मिरर पे हमने फॉल कराया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट किया तो आप देख सकते हो एबी हमारा इंसिडेंट रे होगा और बीएफ हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा, और तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल हमारा सी टू बी होता है। नॉर्मल कोई रे नहीं होता, याद रखिएगा, नॉर्मल हम लोग खुद से ड्रॉ करते हैं। सी टू बी आपका क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। तो आप देख सकते हो, मान लो ये एंगल हमारा वन है और ये एंगल हमारा टू है और ये एंगल थ्री और ये एंगल मान लो फोर। कोई दिक्कत? इतना पहले क्लियर हो जाओ। हमने यहां पे नेमिंग कर दिया एंगल, ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री और ये एंगल फोर। ओके, यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, क्या कंसीडर, गौर कमाइएगा, कंसीडर एम एन बी, कंसीडर एम एन बी अ कॉनकेव मिरर हुज पोल पी, हुज पोल पी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकस एफ, फोकस एफ, चलिए ठीक है। लेट एबी बी द इंसिडेंट रे, एबी बी द इंसिडेंट रे is drawn parallel to the, is drawn parallel to the principal axis, principal axis, it reflect, where it reflects through f, फोकस से पास कर रहा है, रिफ्लेक्ट कहां से कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है। एंड ज्वाइन सी टू बी, ज्वाइन सी टू बी एज अ नॉर्मल। हमने सी को क्या किया? बी से मीट करा दिया, जो कि हमारा नॉर्मल का काम है। ओके, चलिए बात यहां पर क्लियर है। चलिए अब बातें क्लियर है तो आइए हम इसको डिराइव करते हैं, जो हमें प्रूफ करना है, क्या एफ इक्वल आर बाई टू, हमें यही तो प्रूफ करना है, F इक्वल आर बाई टू। और इसे अभी हमें प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं तो कह रहा हूं बहुत इजी है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। अब जरा गॉट माओगे, यहां पे हम लिख सकते हैं क्या एंगल वन इक्वल एंगल टू? बताओ, एंगल वन इक्वल एंगल टू क्यों? क्योंकि आपका एबी, हमने एबी जो ड्रॉ किया है बीसी के पैरेलल, जो पैरेलल ड्रॉ किया है तो हमारा यहां पर बीसी हमारा क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ट्रांसवर्सल है। लेकिन यहां पे एंगल वन और एंगल टू मैं इसलिए इक्वल कर रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, मतलब कि एंगल आई इक्वल एंगल आर, क्लियर है? इक्वेशन वन मान लो, ठीक है। और देखिए एबी हमने पीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है ना, तो पैरेलल ड्रॉ किया है तो देख सकते हो हमारा यहां पर बीसी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो उस केस में हमारा एंगल वन किसके इक्वल होगा? एंगल थ्री के इक्वल होगा कि नहीं? एंगल वन इक्वल एंगल थ्री, देखो ना ऐसे कुछ लाइन है, ऐसे है ना, ये वन है, ये थ्री है, तो ये होगा ये वन इसके थ्री के इक्वल, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा क्या होगा? एंगल वन इक्वल एंगल थ्री। ओके,
क्यों लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इक्वेशन वन मान लो, इसको इक्वेशन टू मान लो। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से आप जरा देख सकते हो यहां पे एंगल वन और एंगल वन क्या है, इक्वल है। जो एंगल वन और एंगल वन इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं क्या एंगल टू और एंगल थ्री क्या होगा, एंगल टू और एंगल थ्री इक्वल होगा। जब एल एच एस इक्वल होता है तो आर एच एस ऑटोमेटिक इक्वल होता है, ठीक है। वन वन के इक्वल है तो टू हमारा थ्री के इक्वल है, बचपन आपने पढ़ा होगा। इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लो, ओके। फिर आप जरा देख सकते हो क्या, जरा गौर कमाओ, एंगल टू और एंगल थ्री जो हमारा इक्वल है तो आपने एक बात नोटिस नहीं किया, एंगल टू और एंगल थ्री जो इक्वल है तो यहां पे टू और थ्री के सामने वाला साइड देख लो, टू और थ्री के सामने वाला साइड। तो जरा देखो टू और थ्री इक्वल, इसका मतलब है कि टू के सामने वाला साइड कौन होगा, सी एफ, और थ्री के सामने वाला साइड कौन होगा, एफ बी। ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि हमको साइड से रिलेशन आना है। देखो टू के सामने वाला सी एफ और थ्री के सामने वाला क्या, एफ बी। यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल सी एफ बी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। सी एफ बी क्या बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो आप देख सकते हैं जब हमारा सी एफ एफ बी के इक्वल हो गया, अब जरा गॉड फॉर्म आओगे आप, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, ये आपका मान लो कॉनकेव मिरर है, ओके, ये पोल है, ये सेंटर का मिरर है, हमने यहां पर ये फॉल कराया ना, रिफ्लेक्ट करेगा कुछ ऐसे करेगा, यहां पर अगर हम ऐसे करेंगे ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, यहां से करेंगे ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे को हम किधर ले जा रहे हैं, बिल्कुल प्रिंसिपल एस के पास। तो यहां पर हमने जो ए बी इंसिडेंट रे फॉल कराया है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ मिरर, अगर इस ए बी को हम बिल्कुल, यानी पॉइंट बी को बिल्कुल पी के पास अगर हम ले आते हैं, मतलब ए बी को बिल्कुल पी सी के पास अगर ले आते हैं, इंसिडेंट रे फॉल कराते हैं, तो उस केस में आप कह सकते हैं, बात समझ, अरे मैं कह रहा हूं यहां पर इंसिडेंट रे फॉल करा रहे हैं, यहां से कराते यहां से कराते यहां से कराते यहां से कराते यहां से कराते, तो एक ऐसा केस आता जो बी जो है पी को क्या करता, ओवरलैप करता। मतलब क्या है कि इफ पॉइंट बी इज, पॉइंट बी इज जस्ट क्लोजर टू, जस्ट क्लोजर टू पॉइंट पॉइंट पी, अगर मान लो कि पॉइंट बी जो है पॉइंट पी के बिल्कुल पास में होता तो उस केस में हम क्या कहते हैं, द गॉड फॉर्मोगे, ये बी तो आपका यहां पे हो जाता, बी कहां हो जाता, पी के पास हो जाता। जब बी पी के पास हो जाता उस केस में हम बी एफ और पी एफ दोनों क्या होता है, इक्वल होता कि नहीं, क्योंकि कौन साइड करता, पॉइंट बी और पॉइंट बी ही रहता है, एक पॉइंट बी ही जस्ट क्लोजर टू पॉइंट बी, देन पॉइंट बी कौन साइड पी, बी क्या करेगा, पी को कौन साइड करेगा, तो बी पी को कौन साइड करेगा, मतलब यहां पे बी हमारा आ गया। जब हमारा हमारा बी यहां पे आ जाएगा तो हमारा बी एफ और पी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब बी एफ जो हो जाएगा किसके इक्वल होगा, पी एफ इक्वल होगा कि नहीं होगा, देखो बी यहां पे आ जाते बी एफ और पी एफ, तो बी एफ का जो लेंथ होगा वही पी एफ का लेंथ होगा, क्योंकि कौन साइड कर रहा, चलिए तो बी एफ इक्वल पी एफ हो गया हमारा यहाँ पे। और आपने अभी देखा है कि बी एफ किसके इक्वल है, सी एफ के, तो बी एफ के बदले में यहां पर लिख सकते हैं क्या, सी एफ इक्वल पी एफ, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही देते हैं, सी एफ इक्वल पी एफ, और बताओ, चलिए यहां पे बी एफ के बदले मैंने सी एफ लिख दिया, लिख लेते हैं ब्रैकेट में क्या, बी एफ इक्वल सी एफ, ठीक है। अब नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गॉड फरमाना, नाउ आप देख सकते हो पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, गॉड फरमाओ पीसी को क्या लिख सकते हैं, पीसी को हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, लिख सकते हैं ना, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। और आप देख सकते हो पीसी इक्वल पी एफ रहने दो, और सी एफ किसके इक्वल है, सी एफ हमारा किसके इक्वल है, पी एफ के इक्वल है, देख सकते हो सी एफ किसके इक्वल है, पी एफ के इक्वल है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, पी एफ। तो पीसी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पी एफ फोकल लेंथ है, पी एफ ये भी क्या है, फोकल लेंथ है, देख सकते हो ना, P
PF पोल और फोकस के बीच के दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ये भी फोकल लेंथ है और ये भी फोकल लेंथ है, मतलब R इक्वल क्या आया 2F और F इक्वल क्या कहेंगे R by 2। और हमें देखिए यही प्रूव करना था, yes, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हमने यहाँ पर रिलेशन स्टैब्लिश किया, ड्रैग किया फोकल लेंथ और रेडियस और कर्वेचर में। अब आपका बच गया क्या, कॉन्वेक्स मिरर में आपको फोकल लेंथ और रेडियस और कर्वेचर में रिलेशन डिराइव करना है। तो पहले तो बोर्ड को इरेज करना होगा, फिर देखते हैं। तो फाइनली हमने कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस और कर्वेचर में डिराइव किया, मतलब रिलेशन स्टैब्लिश किया। मैंने ये भी कहा कि फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर में कैसे ड्राइव करते हैं, ये सारा का सारा स्टेप और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछता भी है एक नंबर का, कि अगर मान लो कि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस और कर्वेचर कितना होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि रेडियस और कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है और फोकल लेंथ रेडियस और कर्वेचर का हाफ होता है। तो फोकल लेंथ दे रहा है 20 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि रेडियस और कर्वेचर डबल होता है, तो क्या होगा 2 × 20, आप समझ सकते हो मल्टीप्लाई करके कितना होगा। ओके, अब हम लोग जो रिलेशन तैयार करने वाले हैं दरअसल वो कॉन्वेक्स मिरर में रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इन कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर मिरर में एफ और आर में रिलेशन क्या है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बस सकते हैं कंडीशन है कि बने रहिएगा, वीडियो को आराम से देखिएगा, समझ में अगर आएगा दिल से तो लाइक कर दीजिएगा, बस यही तो मैं चाहता हूँ कुछ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर में गॉट मार, ये आपका कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है। अभी फिलहाल कोई मिरर नहीं, जब तक सिल्वर्ट नहीं करोगे तब तक नहीं कह सकते हो। मैंने इधर कर दिया सिल्वर्ट, ये कौन मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम कहते हैं पोल, इट्स पोल, और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका फोकस हुआ। इसको हमने और एक्सटेंड कर दिया, आप देख सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा कि हमने इसको अज्यूम कर लिया एमएन एक हमारा क्या है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, हमने कहा है कि जिधर से आप रे इंसिडेंट कराओगे वो सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, लेकिन एम और एन जो होगा आपका अपर्चर कहलाता है। ओके, चलिए यहां पर हम रे फॉल करा रहे हैं, ए बी मान लो इंसिडेंट रे हमने क्या किया फॉल कराया। ओके, ए बी जब इंसिडेंट रे फॉल कराया तो क्या होता है आप जानते हो, ये डाइवर्ज करता है, ये इस तरीके से डाइवर्ज किया, परंतु मेरे को लग क्या रहा है, लग रहा है कि एफ से ज्यादा। ओके, बट हमें लग रहा था कि एफ से ज्यादा, ये अपीयर्स दैट अपीयर्स टू बी गोस थ्रू फोकस, एक्चुअल मीट नहीं करता, और जब एक्चुअल मीट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, पर इमेज का भी टाइप्स बनेंगे। चलिए तो अब बताओ यहां पर इसका ये क्या होगा नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल मेरे को लग क्या रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, जैसा कि मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि नॉर्मल जब भी आपको लगेगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स में तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको इस एंगल का नाम वन ले लो, इस एंगल का नाम टू, इस एंगल का नाम थ्री, और इस एंगल का नाम फोर, कोई दिक्कत। मैंने यहां पर एंगल को एंगल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई एन कुछ भी दे सकते हो, वन टू थ्री फोर वट एवर आपका जो मन, ठीक है। चलिए यहां पे बातें क्लियर है, हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया बातें समझ में आ रही है, कैसे ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे फॉल किया, रिफ्लेक्ट किया मतलब डाइवर्ज किया, लग क्या रहा है फोकस से आ रहा है, एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एंगल नाम दे दिए ये फला एंगल ये। ओके, चलिए यहां पे क्या लिखेंगे, लेट एम एन बी कंसिडर, एम एन बी कंसिडर एम एन बी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हुज पोल पी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी फोकस एफ, ठीक है हमने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहेंगे, लेट ए
एबीपी का इंसिडेंट रे, लेट एबीपी का इंसिडेंट रे ड्रॉन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रॉन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट appears to it reflect and appears to be goes through where ya passes through focus. ऐसा लगता है क्या कि वो focus से pass कर रहा है, इतना बात है मैंने statement लिखा. बातें यहां तक clear है? चलिए let consider MND a convex mirror whose pole P, center of curvature C and focus F. Let A be the incident ray drawn parallel to the principal axis. It reflect and appears to be goes through focus. Okay? अब जरा बॉट कमाओगे, यहां पे एंगल वन जो होगा एंगल टू के इक्वल होगा. क्यों? एंगल I इक्वल एंगल R. आप देख सकते हो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे इक्वल होता है. क्लियर है ना? दूसरी बात, आप जरा गॉड फरमा सकते हो क्या हमारा यहाँ पे एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि अगर कोई दो लाइन है इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है. तो आप जरा देखो तो यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल वाला ये, एक रिफ्लेक्टेड वाला ये, तो टू हमारा थ्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बेशक होगा. एंगल थ्री इक्वल एंगल टू. क्यों बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, वन मान लो, इसको इक्वेशन टू मान लो. अब यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू. अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में जरा वर्ड मांगे, यहां पे इसका आरएचएस मान क्या है? इक्वल है. वहां पर हमने देखा था एलएचएस इक्वल था, यहां पे क्या आरएचएस इक्वल है. अच्छा, मन में ये भी ख्याल होगा, सर आपने टू इक्वल थ्री लिखा तो टू यहां थ्री ले जाए, क्या मतलब? तो टू यहां भी ले लो, थ्री आने कोई दिक्कत नहीं है. बस देखना यह है कि टू टू बराबर है तो हमारा जो बच गया वो इक्वल हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है. तो आपका टू टू इक्वल है तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल वन इक्वल एंगल थ्री. इक्वेशन आप इसको मान लो थर्ड. क्लियर है? एंगल वन इक्वल एंगल थ्री, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं. अब भी जरा गौर, एक और बात, आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है. मान लो ये वन है और ये फोर है तो वन फोर की इक्वल होगा कि नहीं? देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, वही बात यहां भी देख लो. ए बी आपका पैरेलल, ए बी पीसी के पैरेलल है. ओके, जब ए बी हमारा पीसी के पैरेलल है तो आप देख सकते हो यहां पे वन फोर के इक्वल होगा. क्यों वन फोर के इक्वल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल वन इक्वल एंगल फोर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इक्वेशन फोर मान लो. अब यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर. इक्वेशन थर्ड एंड फोर से आप देख सकते हो यहां पे वन और वन इक्वल है, एंगल वन और एंगल वन इक्वल है. तो मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर. इक्वेशन इसको आप मान लो क्या, फाइव. ठीक है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर. ओके, अब एंगल थ्री एंगल फोर आ गया तो आप समझ सकते हो कि एंगल थ्री का अपोजिट साइड कौन होगा? सी एफ. ओके, फिर आप बताओ फोर का अपोजिट साइड कौन होगा? फोर का अपोजिट साइड आपका होगा बी एफ, यानी सी एफ इक्वल हमारा यहां पर क्या है, बी एफ हो गया. अब वही पुरानी बात जो बचपन में हम लोग कहा करते हैं, पढ़ा करते थे कि एबी इंसिडेंट रे हमने जो फॉल किया है, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है, ये रे हम यहां से फॉल कराए ना, यहां से ही फॉल करा सकते हैं, यहां से ही फॉल करा सकते हैं और यहां से ही फॉल करा सकते हैं. मतलब यह कि इंसिडेंट रे जो हमने एबी फॉल कराया इस पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर काश हमारा बी अगर पी के पास होता तो बी पी को क्या करता, कॉइंसाइड करता. फिर वही बात लिखेंगे क्या, इफ पॉइंट बी इज जस्ट क्लोजर टू पॉइंट
क्या पॉइंट पी देन इट क्वांसाइड, इट क्वांसाइड, और जब ये क्वांसाइड करेगा तो उस केस में आप समझ सकते हो कि बी यहां पे हमारा आ जाएगा, बी कहां पी के पास आ जाएगा, जब बी पी के पास हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि बी एफ और पी एफ, पी यहां नहीं बल्कि यही है, पी मैं यहां नहीं जाऊं उसका मतलब नहीं समझता, पी आपका यही है, तो बी एफ और पी एफ क्या होगा इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे बी एफ इक्वल पी एफ, उम्मीद दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बी एफ इक्वल पी एफ है ना, चलिए हम यहां लिख देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, तो हमारे यहां पे क्या होगा बी एफ इक्वल पी एफ, क्लियर है, चलिए दिख रहा है, चलिए यहां पर बी एफ इक्वल हमारा पी एफ हो गया। अब जरा गौर फरमाइएगा क्या मैं, हाँ एक और बात जान लीजिए, बी एफ इक्वल पी एफ हुआ और बी एफ हमारा किसके इक्वल है, देख लीजिए बी एफ हमारा सी एफ इक्वल है, तो इस बी एफ को बदल सकते हैं यहाँ पे सी एफ, सी एफ इक्वल पी एफ, ब्रैकेट में देता हूँ क्या बी एफ इक्वल सी एफ, आप फिर इससे पहले बार वीडियो देखोगे और ये देखोगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सारा वैसा ही टर्म है, फिर अब उसके बाद नाउ मैं क्या लिख सकता हूँ पी सी इक्वल पी एफ प्लस सी एफ, आप देख सकते हो फिगर में पीसी, पीसी इक्वल पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं ना बेशक, और यहाँ पे पीसी जो कहते हो फिलहाल पी एफ जो कहते हो और सी एफ किसके इक्वल है, आप देख सकते हो यहाँ पर सी एफ हमारा पी एफ के इक्वल है, देख लो ना सी एफ किसके इक्वल है पी एफ के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ पी एफ, पीसी हमारा आर है, पी एफ एफ प्लस एफ, तो आर इक्वल क्या आया टू एफ, आर इक्वल टू एफ, ये तो मैं प्रूव कर रहा था, और यार इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ इक्वल आर बाई टू, और इस तरीके से हमने यहां पर रिलेशन फिर कॉन्वेक्स मिरर में डिराइव किया फोकल लेंथ और रेडियस और कर्वेचर में रिलेशन। इस तरीके से आज के लिए आज का टॉपिक आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, ये आपका सेकेंड लेक्चर था और एक थर्ड लेक्चर होगा, और कोशिश मेरा रहेगा कि थर्ड लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा खत्म कर दो तीन लेक्चर, समझ रहे हो ना, क्योंकि जानते हो कि ये टॉपिक ये चैप्टर जो है फास्ट बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें कितना भी ज्यादा पढ़ लो बहुत कम लगेगा, लेकिन हाँ मैंने इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से हर बातें कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, तो उम्मीद है आज इतना ही, अगर अच्छा लगा तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा, आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।